हाय एवरीवन आज हम करेंगे क्लास ट्वेल्थ के सॉल्यूशन चैप्टर के टॉप टेन एमसीक्यूज़ ये जो एमसीक्यूज़ सी है ये इस साल के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में मेनली हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कवर करेंगे न्यूमेरिकल की बजाय कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कवर करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वैन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज डबल्ड द फॉलोइंग बिकम्स एग्जैक्टली हाफ जब वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए सोल्यूशन के वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए तो इनमें से कौन है जो एग्जैक्टली exactly हाफ हो जाता है मोलेिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन या मास परसेंट तो इनके सबके फार्मूले हमें पहले पता होने चाहिए तो हमें पता है जो मोलैरिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर तो मोलैरिटी ही इनमें से एक ऐसी कंसनट्रेशन टर्म है जिसमें वॉल्यूम आती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है इसके फार्मूला में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो डिनोमिनेटर में आता है तो अगर वॉल्यूम को हम डबल कर देंगे तो जो हमारी मोलैरिटी है वो एग्जैक्टली exactly हाफ हो जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोलैरिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट्स तो इनमें से जो मोलैरिटी है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर नॉर्मेलिटी की ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर मोलेलिटी की मोल पर किलोग्राम लेकिन मोल फ्रैक्शन है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलैस नेक्स्ट क्वेश्चन है द लो विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर इज़ इनमें से कौन सा लो है जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और प्रेशर के बीच के रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है ऑप्शन है रोल्ट लो हैनरीज लो लोवरिंग ऑफ पेपर प्रेशर या फिर वेंट्स ऑफ लो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैंनरीज लो हैंनरीज लो क्या होता है अकॉर्डिंग टू हैंनरीज लो द मास ऑफ ए गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इज़ प्रपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो यही एक लो है जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और प्रेशर को आपस में रिलेट करता है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैंनरीज लो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंपोनेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन दिस इज़ नोन एज इसे क्या कहते हैं ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन लो हेनरीज लो रोल्ड्स लो एंड ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोल्ड लो क्योंकि किसी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसके मोल फ्रैक्शन से ये क्या होता है हमारा रोल्ड्स लो तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोल्ड लो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस रोल्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सा वन मोलल सोडियम हाइड्रोक्साइड वन मोलल यूरिया वन मोलल ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी वन मोलल सुक्रोज इनमें किन में रोल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता तो ये कुछ रोल्स लॉ की लिमिटेशन है सबसे पहले लिमिटेशन है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर डायल्यूट सोल्यूशंस ओनली सिर्फ डायलोट सोल्यूशन पे एप्लीकेबल है तो इनमें तो सारों सबकी जो कंसनट्रेशन है वो सेम है सेकेंड है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर डायल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स ओनली थर्ड वन इज़ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूट विच नाइदर असोसिएट नॉर डिसोसिएट तो इसकी वजह से ये जो लिमिटेशन है कि जो सोल्यूट है वो ना असोसिएट होना चाहिए ना ही डिसोसिएट होना चाहिए उन्हीं पर रोल्स फ्लो एप्लीकेबल होता है लेकिन इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसका हम सोल्यूशन फॉर्म करेंगे तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा तो इसलिए इस पर रोल्स फ्लो एप्लीकेबल नहीं होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फॉल्स ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोल्यूट की अमाउंट इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट गिर जाता है ये ऑप्शन गलत है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखने को मिलता है जब सोल्यूट की अमाउंट हम इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है देर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सोलूट तो ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट हो गया नेक्स्ट ऑप्शन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोवर्ड ऑन एडिंग मोर ऑफ द सॉल्वेंट अगर हम सॉल्वेंट ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है तो सॉल्वेंट के डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है दे ओनली डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया नेक्स्ट ऑप्शन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज रेज ऑन एडिंग मोर ऑफ सोल्यूट तो फ्रीजिंग पॉइंट का है कि इंक्रीज हो जाएगा अगर सोल्यूट ऐड कर दे तो बट फ्रीजिंग पॉइंट में तो डिप्रेशन देखने को मिलता है देर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है अगर हम सोल्यूट ऐड कर दें तो ये ऑप्शन भी इन करेक्ट हो गया नेक्स्ट है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है अगर हम सोल्यूट इंक्रीज कर देते हैं इसमें यह हमारी प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाई इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ऑप्शनस है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो हमारी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो इसमें जो ऑप्शन सी है ऑप्टिकल एक्टिविटी ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्टिकल एक्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका सेम ओस्मोटिक प्रेशर होता है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम ओस्मोटिक प्रेशर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन हैज हायर ओस्मोटिक प्रेशर देन इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विच ऑफ़ द फॉलोइंग टर्म विल बी यूजड फॉर दिस सोल्यूशन अगर किसी सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसके स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं हाइपरटोनिक और अगर कम होता है तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक लेकिन अगर बराबर हो जो ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन का और स्टैंडर्ड सोल्यूशन का अगर सेम हो तो उन्हें कहते हैं आइसोटोनिक तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपरटोनिक नेक्स्ट स्टेप विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और वेपर प्रेशर को इनमें से रिलेट करने के लिए कौन से यूनिट यूजफुल है ऑप्शन है मोल फ्रैक्शन पार्ट्स पर मिलियन मास परसेंटेज एंड मोलैलिटी तो ये हमारा रोल स्लो से है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और सोल्यूशन की कंसनट्रेशन तो इनको रिलेट कैसे करते हैं तो रोल स्लो के अकॉर्डिंग क्या होता है द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए डायल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो मोल फ्रैक्शन है इसमें यूजफुल यूनिट तो ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम रिलेट करते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और वेपर प्रेशर को तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोल फ्रैक्शन